वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आरएस अग्रवाल की इंग्लिश वाली बुक सॉल्व कर रहे थे, उसमें अपना चैप्टर चल रहा है परसेंटेज वाला, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब तक जो है टोटल 4 पार्ट्स आ चुके हैं इस चैप्टर के, पांचवा पार्ट अपन इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। इन एन एग्जामिनेशन एक्स सिक्योर्स 58% मार्क्स एंड वाई सिक्योर्स 105 मार्क्स लेस देन एक्स। इफ द मैक्सिमम मार्क्स वर 700 देन व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स डिड वाई सिक्योर। 700 नंबर का एक पेपर है, तो आपको सवाल में पूछा गया है कि वाई को कितने परसेंट मार्क्स मिले। देखो कुछ इस तरीके से सवाल है, मान लो यहाँ पे ये 0% है और यहाँ पे ये 100% है, ठीक है 100% है। अब हुआ क्या कि एक्चुअल में जो मार्क्स है वो है कितने, 700 नंबर है, ठीक है, और एक्स को कितने मिले हैं, 58% मान लो यहाँ पे अगर आता है, ठीक है 58% अगर आप 700 का निकालने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 700 का 58% आपको मिल जाएगा, इनटू यहाँ पे 7 करने पर कितना आएगा, 5 आ गया 35 और 5 हो गया 40, यानी 406 नंबर मिले हैं। किसको मिले हैं, एक्स को। सवाल कह रहा है वाई सिक्योर्स 105 मार्क्स लेस देन एक्स, मतलब 105 नंबर कम मिले हैं 406 से, तो कितने मिले इसको, एक यहाँ पे आ जाएगा कितना 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यानी 301 नंबर, 301 लगभग यहाँ पे कहीं पे होता है। तो आपको सवाल में पूछा गया है कि ये जो 301 है वो एक्चुअल में कितना परसेंट है, ठीक है, तो 700 का कितना परसेंट है ये 301, यहाँ पे अगर अपन इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4 बार में, 2 आगे चला गया तो 3 बार में कितना आंसर मिल रहा है, 43%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के अंदर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 43%। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस पूजा इन्वेस्ट 13% ऑफ हर मंथली सैलरी दैट इज 8554 इन मेडिक्लेम पॉलिसी, लेटर सी इन्वेस्टेड 23% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी, ऑल्सो सी इन्वेस्ट्स अनदर 8% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज द टोटल एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस पूजा। क्या हुआ कि मान लो मिस पूजा की टोटल सैलरी 100% है एक बार के लिए, तो उसने 13% इसने क्या कर दिया, 13% कहाँ पर खर्च कर दिया, मेडिक्लेम पॉलिसीज के ऊपर, मेडिक्लेम पॉलिसीज के ऊपर 13% खर्च कर दिया। उसके बाद उसने 23% कहाँ पर खर्च कर दिए थे, चाइल्ड एजुकेशन पर, चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, और उसके बाद उसने 8% इन्वेस्ट कर दिए थे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, 8% उसने इन्वेस्ट कर दिए थे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। क्वेश्चन में दे रखा है मंथली सैलरी दैट इज कितनी है, 8554 है, तो आपको पूछा है कि उसने टोटल जो है एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस पूजा कितना है, उसने टोटल जो है पूरे साल में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। एक बार के लिए अपन इसको देखते हैं, 13% 8% और ये 23%, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना मिल रहा है आपको, इन सबको ऐड करते हैं देखो 13, 26 और ये 36, 36 और 8 कितने हो गए 44, मतलब वो 44% मंथली अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो 8554 का 44% वो मंथली इन्वेस्ट करती है। ये मंथली है लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है एनुअल अमाउंट कितना है, तो एनुअल के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरे साल का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा कि उसने पूरे साल में कितना इन्वेस्ट किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 से जब आप इसको काटोगे आपको मिल गया 11, 4 से जब इसको काटोगे तो ये आपको मिल गया कितना, 25 मिल गया, ठीक है 4 से काटने पर 25 मिल गया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, कैंसिल हो नहीं रहा है, पॉइंटों में कोई भी आंसर है नहीं यहाँ पे, फिर भी अपन अप्रोक्सीमेट लगा के देख लेते हैं क्या है। 12 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 12 चौक 48, यहाँ पे आ जाएगा 4, 12 पंजे 60 और 4 कितने हो गए 64, यहाँ पे आ गया 6, 12 पंजे 60 और 6 कितने हो गए 66, यहाँ पे आ गया 6, उसके बाद 12 अट्ठे कितने हो गए 96 और 6 कितने हो गए 102, और फर्दर इसको जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिल जाएगा 88 की वजह से 8 और 44, 44 और 8 कितने हो जाएंगे 44 और 8 हो गए 52, यहाँ पे आ गया 5, 66 और 5 कितने हो गए 71, यहाँ पे आ गया 7 और 22 और 7 कितने हो गए 22 और 7 हो गए 29, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 11, ये मिल रहा है जब आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हो कितना मिल रहा है 11291 डिवाइडेड बाई 28, इसको जब आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिल रहा है 25 से मल्टीप्लाई करने पर, 4 बार में जा रहा है, 12 आगे चला गया तो 5 बार में जा रहा है, 4 अगर आगे चला गया तो डिवाइड जा नहीं रहा है एक बार में, उसके बाद में कितना मिल जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में 16, उसके बाद में 6 बार में पूरा जा रहा है 12, फिर 5 बार में 45,165 पॉइंट समथिंग करके कुछ इसका आंसर बन रहा है।
45,000 करके कोई भी ऑप्शन में है नहीं, तो इस केस में अपना आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कैलकुलेशन एक बार आप फिर अपने हाथ से भी चेक करके देख ले, करना क्या है, 13% 23% और 8% तीनों को ऐड करना है, तो ये इसका टोटल इन्वेस्टमेंट है। और आपको एनुअल पूछा है तो एनुअल के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा सवाल है। क्लियर, अगला सवाल देख लेते हैं। नुपुर इन्वेस्ट्स 89856 विच इज 26% ऑफ हर एनुअल इनकम इन म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज हर मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम कितनी है। नुपुर क्या करती है, इतने रुपए इन्वेस्ट करती है और ये जो है उसकी सैलरी का 26% है। मतलब अगर 89856 26% है तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, ये क्या हो गया उसका, ये जो उसकी एनुअल इनकम हो गई। लेकिन सवाल में आपको पूछा है कि मंथली इनकम कितनी है, तो मंथली इनकम के लिए इस बार आप इसमें 12 का डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे 2 से काट दोगे तो 13 मिल जाएगा, 2 से काट देंगे तो 4, उसके बाद में फिर से 4, फिर यहाँ पे 9, 2 और 8। क्लियर है, उसके बाद में अगर इसको 4 से काटते हैं अपन तो यहाँ पे मिल रहा है 3, इसको 4 से अपन जब काटते हैं तो 1, 1, 2, 3 और 2 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 से अगर इसको काटें अपन तो 3 से बिल्कुल ये पूरा पूरा कट रहा है, 3 से इसको काट देते हैं 3 बार में, 2 आगे चला गया, 2 अगर आगे चला गया तो 7 बार में, 1 आगे चला गया तो 4 और 4 बार में। क्लियर है, उसके बाद में 13 से अगर इसको अपन काटने की कोशिश करें, 13 से इसको अगर अपन काटते हैं तो 13 दूना 26 होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 11 अगर चला गया तो यहाँ पे 8 बार में जा रहा है 104 तक, 10 आगे चला गया तो फिर से 8 बार में जा रहा है। क्लियर, और इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इतना मिल जाएगा 2880। सही है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर हो गया, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, डेविड एंड हिज वाइफ ईच रिसीव्स एन 8% एनुअल राइज, इफ डेविड रिसीव्स अ राइज रेज ऑफ 800 रुपीज एंड हिज वाइफ रिसीव्स अ रेज ऑफ 840 रुपीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एनुअल इनकम्स आफ्टर देयर रेजेज। मतलब उनकी सैलरी इंक्रीज होने के बाद उनका जो एनुअल इनकम है उसमें कितना डिफरेंस है, ये आपको फाइंड करना है। हुआ क्या कि डेविड एक तरफ मान लेते हैं और एक तरफ वाइफ उसकी, दोनों की सैलरी जो है एनुअल राइज हुआ है, उसकी सैलरी में कितना हुआ, 8% का हुआ। मतलब मान लो ये अगर 100 था तो ये कितना हो गया, 108 हो गया, ये अगर 100 था तो ये भी कितना हो गया, देखो 108 हो गया। ठीक है, ये अपने अपनी डेविड और वाइफ के लिए जो राइज हुआ है वो अपन ने लिख लिया। तो हुआ क्या, डेविड रिसीव्स अ रेज ऑफ रुपीज 800, मतलब डेविड का ये जो 8 का गैप है वो एक्चुअल में 8 का नहीं है, 800 का है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया आपने, 100 गुणा किया, तो इसको 100 गुणा कर लोगे तो आफ्टर रेज इनकी सैलरी कितनी आ रही है, 10,800 आ रही है डेविड की। ठीक है, और उसकी वाइफ का जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, 840 का है। मतलब ये जो 8 है वो एक्चुअल में 8 नहीं है, कितना है, 840 है। कितनी बार में जा रहा है, 105 बार में जा रहा है, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे 105 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है अपन क्या करते हैं, 108 इंटू 5 कर लेते हैं, क्योंकि अपन को तो डिफरेंस पूछा है। देखो यहाँ पे क्या है कि 108 इंटू 100 है, यहाँ पे 108 इंटू 105 है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है, तो 5 से गुणा कर देते हैं, कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको, 540। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, इफ द एवरेज ऑफ अ नंबर इट्स 75% एंड इट्स 25% इज 240, देन द नंबर इज, ये कह रहा है कि किसी नंबर का 75% उसका एवरेज है और 25%, अच्छा एवरेज है किसी नंबर के 75% का और 25% का एवरेज 240 रुपीज है, तो वो नंबर क्या है, ये आपको फाइंड करना है। मान लो नंबर है x, तो उसका 3/4 ये होगा और उसका 1/4 यानी कितना होगा, ये होगा। इन दोनों का एवरेज अगर देखना चाहोगे तो डिवाइड में 2 करेंगे और यहाँ पे कितना चला जाएगा, 240 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये 4 यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दूँ नीचे कॉमन में, ठीक है, और ये x और 3x मिलकर कितने हो गए, फाइनली 4x हो गए। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ये भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, पूरी तरीके से यहाँ से ऊपर ने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब ये जो x है वो उस तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 480 मिल जाएगा। ठीक है, 480 इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो गया। फिलहाल 480 ऑप्शन में है नहीं, मतलब अपन ने यहाँ तो लाइन गलत पड़ी है, वापस देख लेते हैं। इफ द एवरेज ऑफ अ नंबर इट्स 75% एंड इट्स 25% इज 240, देन द नंबर इज, किसी नंबर का 25% 240 है,
एक्चुअल में यहाँ पे लाइन मेरे को लग रहा है कोई लाइन मिस है। मैं आपको किस तरीके सवाल करा रहा हूँ, मैं ये मान के करा रहा हूँ कि इसका और इसका आपको एवरेज पूछा है, एवरेज आपको 240 दे रखा है और आपको नंबर पूछा है, इसको लेते हुए मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो 480 होगा। क्लियर है? अगला सवाल देख लेते हैं। अ कंपनी बॉट अ टोटल ऑफ 60 कंप्यूटर्स एंड 20 प्रिंटर्स टू मॉडर्नाइज बिलिंग ऑपरेशन। If the price of each computer was 3 times the price of each printer, what percent of the total cost of the purchase was the total cost of the printer? Total जो भी purchase की cost है उसमें से printer का खर्चा कितना percent है? सबसे पहले तो क्या हुआ कि computer कितने खरीदे गए थे? Computer खरीदे गए थे 60। उसके बाद में printers कितने खरीदे गए थे? तो printers खरीदे गए थे यहाँ पे दे रखा है question में 20। आगे कह रहा है कि computer की जो प्राइस है वो 3 टाइम्स है प्रिंटर की, मतलब अगर इसके ऊपर एक्स रुपया खर्च होता है तो इसके ऊपर 3x रुपया खर्च होता है, तो टोटल कितना होगा? ये 180x रुपए, और ये कितना होगा? 20x रुपए। क्लियर है? टोटल खर्चा कितना हो रहा है? ये हो रहा है टोटल मिला के 200x रुपए का खर्चा, 180 कंप्यूटर पे और 20 प्रिंटर पे, टोटल कितना हो गया? 200x खर्चा हो रहा है। तो सवाल पूछ रहा है कि इस टोटल खर्चे में से प्रिंटर का खर्चा कितना परसेंट है? तो इस टोटल खर्चे में से यानी 200x में से प्रिंटर का खर्चा यानी 20x कितना परसेंट है? इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। एक्स एक्स कट गया, यहाँ पे डबल जीरो काट दिए, 20/2 कितना होगा? 20/2 होगा 10%। 10% यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एन इंडिविजुअल पेज 30% इनकम टैक्स, ऑन दिस टैक्स ही हैज टू पे अ सरचार्ज ऑफ 10%, डज द नेट टैक्स रेट He has to pay is, हो क्या रहा है कि एक आदमी है वो अपनी सैलरी का 30% इनकम टैक्स भरता है। मान लो उसकी सैलरी है 100 रुपीज, तो उसका 30% यानी 30 रुपए वो टैक्स भरता है, कौन सा वाला? इनकम टैक्स भरता है। आगे क्या कह रहा है? ऑन दिस टैक्स ही हैज टू पे अ सरचार्ज ऑफ 10%, मतलब उसको इस टैक्स देने के बाद भी इस टैक्स का 10% एज अ सरचार्ज देना पड़ता है। तो 30% कितना होता है? 30% होता है 3, यानी उसने 33 रुपए इनकम टैक्स के रूप में दिए, 3 रुपए उसने सरचार्ज के रूप में दिए, तो टोटल जो टैक्स है वो कितना हो गया? 33 हो गया। और 3300 का कितना परसेंट होता है? तो आप डायरेक्ट बता देंगे 33% होता है। तो नेट टैक्स जो है उसने पे किया वो कितना है? 33%, ऑप्शन बी। क्लियर? अगला सवाल देख लेते हैं। आनंद हैज ड्रॉन एन एंगल ऑफ मेजर 45° and 27 minutes. When he was asked to draw an angle of 45 degree, the percentage error in his drawing is, percentage error आपको find करनी। देखो इस टाइप के सवाल मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी error वाला सवाल आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है छोटा सा, error upon actual value into 100, error upon actual value into 100। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, एक्चुअल में उसको बोला क्या गया था कि उसको 45 degree का एंगल बनाना था, लेकिन उसने इतना एंगल बना दिया, मतलब 27 मिनट जो है ज्यादा बना दिया। सबसे पहले तो ये 27 डैश है, इसको डिग्री में बदलना आना चाहिए, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, यानी एरर कितनी आ रही है? 27/60 आ रही है। और एक्चुअल में उसको करना क्या था? 45 करना था, तो यहाँ पे 45 परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। क्लियर है? 9 से काटा 3 बार में, 9 से काट दिया इसको, तो यहाँ पे मिल गया मुझे 5 बार में, 3 से इसको काट दोगे तो ये 20 बार में, ये पूरा कट गया, यहाँ पे फाइनली कितना मिल रहा है? 1%। तो उसने एरर कितनी की है? 1% की है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 20%, 20% से छोटा इन सब में से कौन सा है? देखो डायरेक्टली कर लेते हैं इसको, ये तो कितना होता है? 25% होता है, ठीक है, 20% से छोटा चाहिए मुझे, ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये कितना होता है? 66.66 होता है, इसको इंटू 100 करके देखना है, बस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए इनटू 100 करना है, तो पता चल जाएगा, तो ये भी अपना आंसर हो नहीं सकता। ये जो है इसको 100 करोगे तो यहाँ से 40% मिलता है, तो ये भी अपना आंसर हो नहीं सकता। क्लियर है? और इसको भी आप अगर 100 करते हो तो यहाँ पे 500/6, ये भी जो है 20% से छोटा आ नहीं रहा है, लेकिन इसको जब आप करते हो तो देखो यहाँ पे 1 बार में जा रहा है, फिर 9 अगर आगे चला गया तो 8 बार में जा रहा है, यानी 18 point something कुछ आ रहा है। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि यही एक ऐसा फ्रैक्शन है जो 20% से छोटा जा रहा है। क्लियर? अगला सवाल देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 54% ऑफ अ नंबर एंड 26% ऑफ दैट सेम नंबर इज 22526, व्हाट इज 66% ऑफ दैट नंबर? किसी नंबर के 54% और 26%, किसी नंबर के 54%
और किसी नंबर के 26% का ये जो डिफरेंस है वो 22526 है। इनका डिफरेंस डायरेक्टली अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना आ रहा है, 24 और 4 28 आ रहा है, यानी एक तरीके से एक्स इंटू 28/100 है, ये हो गया 22526। यहाँ से x कितना मिल जाएगा, 22526 डिवाइड में आ जाएगा 28 और 100 जो है यहाँ पर आ गया इनटू में। क्वेश्चन में पूछ रहा है ये नंबर मिल गया आपको, फाइनली x की वैल्यू मिल गई, मतलब ये नंबर मिल गया आपको, पूछा है क्वेश्चन में कि इस नंबर का 66% कितना होगा, तो इस नंबर का 66% निकाला है तो इंटू 66 अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 से अगर काटते हो तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, 14 मिल रहा है, 2 से अगर इसको काटते हो तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, 33 मिल रहा है, ठीक है, 33 मिल गया। उसके बाद 7 से अगर अपन डायरेक्टली काटने की कोशिश करते हैं, 7 से काटा तो मेरे को यहाँ पे 2 मिल रहा है, 7 से अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पे 3, एक चला गया, दो बार में एक चला गया, तो फिर से एक बार में 5, 8 बार में, क्लियर है, 2 से और काट देते तो 1609। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, 9 × 3 27 यूनिट डिजिट, 27 आना चाहिए, और 7 यूनिट डिजिट जो है एक्चुअल में 7 आना चाहिए, 7 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे है, तो या तो इसका आंसर नन होगा या फिर ये होगा, और जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर इसी में बैठ जाएगा। एक बार आप मल्टीप्लाई भी करके देख लें, एक्चुअल में ये मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 38% ऑफ अ नंबर एंड 24% ऑफ दैट सेम नंबर इज दिस, देन व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। आई थिंक ये सवाल आप खुद ही कर लेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं अपन, 76% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 204 देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, यहाँ पे क्या है कि मान लो 100 स्टूडेंट्स है किसी स्कूल के अंदर, तो उस 100 में से 76% यानी 76 जो है वो क्या है, बॉयज है, 76 क्या है, बॉयज है, तो पीछे जो है, पीछे कितना बचना है, 24% इन 24 वो क्या है, गर्ल्स है। आपको सवाल में पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, अगर एक्चुअल में नंबर ऑफ गर्ल्स 204 है, यानी ये जो चॉइस है वो एक्चुअल में 204 है, तो ये 100 कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 204/24 × 100, ठीक है, 2 से अगर इसको काटते हो तो यहाँ 4 से ही काट लेते डायरेक्ट, यहाँ पे 4 से काटा तो 6 मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5 और 1 मिल रहा है, 3 से काटने पर 17 मिल रहा है, 3 से काटने पर 2 मिल रहा है, 2 से काटने पर यहाँ पे कितना मिल रहा है, 50 मिल गया, 17 × 5 85 होता है, तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन के अंदर 850 अपना एक्चुअल आंसर हो गया, क्लियर है। अगला सवाल देख लेते हैं, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास, अच्छा टोटल जितने लोगों ने परीक्षा दी है उसमें से 65% लोग जो है, लड़के जो है पास हो गए, इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 420 द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज आर, वही सेम क्वेश्चन है कि भाई 100 मान लो, टोटल मान लो 100 जनों ने एग्जाम दिया है, उसमें से 65% तो पास हुए हैं और बचे हुए जो 35% है वो फेल हुए हैं, फेल होने वाले एक्चुअल में 35 नहीं है, 420 है, यानी 420/35, तो सवाल में पूछ रहा है कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया, यानी 100 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर 100 कर देते हैं, ठीक है, 35 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 और 2 और 12 × 2 कितने हो गए, 12 × 100 कितने हो गए, 1200, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल 98 नंबर क्या कह रहा है, देयर आर 340 वैकेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर पोस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस शोज दैट 15% ऑफ द कैंडिडेट्स इंटरव्यूड गेट रिजेक्टेड, हाउ मैनी कैंडिडेट्स शुड बी इंटरव्यूड टू फिल ऑल द वैकेंसीज, क्या कह रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल 340 वैकेंसीज है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक्सपीरियंस अब तक का जो इतिहास है, अनुभव जो है उस कंपनी का ये रहा है कि 15% ऑफ द कैंडिडेट्स इंटरव्यूड गेट रिजेक्टेड, मतलब जितने लोग भी इंटरव्यू देते हैं उसका 15% तो फिक्स है, रिजेक्ट होते ही हैं, तो ये कह रहा है हाउ मैनी कैंडिडेट्स शुड बी इंटरव्यूड, तो कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना चाहिए, मान लो 100 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, उसमें से हर बार 15 तो रिजेक्ट होते ही हैं, तो पीछे जो 85 है वो हर बार जो है सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे 85 सेलेक्ट नहीं करना है, मुझे 340 सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 340/85, कितने लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, 100 का, तो इसको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब 5 से काट देते हैं, देखो 5 से इसको जब काटोगे तो 17 मिल रहा है, 5 से इसको काटोगे तो 6 और उसके बाद 8 मिल रहा है, ठीक है, 17 से इसको काटोगे तो 4 मिल रहा है, 4 × 100 कितना हो गया, 400, यानी ऑप्शन सी, क्लियर, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था 98 नंबर, आई होप आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया,
तो फिलहाल गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, 98th नंबर क्वेश्चन तक आगे आने वाले सवाल आगे वाले पार्ट्स के अंदर अपन जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।